पिक्चर कुछ खास नहीं है, इरफान खान की एक्टिंग थोड़ी ठीक है, बाकी कुछ जो पहले वाली कारवा थी इसका कंपेरिजन करेंगे तो वो अच्छी थी। तो क्या कमी लगी आपको फिल्म में? स्टोरी कुछ खास नहीं है, म्यूजिक नहीं है, डायरेक्शन बराबर नहीं है। जैसा इरफान खान अभी जा रहे हैं अभी लाइक ही इज इल, हाँ दिख रहा है इल, दिख रहा है तो, बट आप चाहें फिर भी उसकी एक्टिंग और अच्छी है। अच्छी है हाँ। पांच में से कितना स्टार देना चाहेंगे? दो। दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिल्म ओवरऑल ठीक थी, बस इरफान खान था इसलिए देख लिया, नहीं तो फिर कुछ खास नहीं है मूवी। तो फिल्म में क्या मतलब सबसे वीक पॉइंट क्या लगा? वीक पॉइंट क्या लगा, पूरी मूवी वीक लगी इरफान खान को छोड़। सबसे बेस्ट इरफान खान की एक्टिंग और कुछ नहीं है मूवी में। फ्लैट है, बहुत फ्लैट है, कुछ खास नहीं है, मतलब हालात देख के समझ जाइए मैं सो गया था बीच में। थ्री ढाई और थ्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। कैसी लगी फिल्म? या फिल्म बहुत अच्छी थी, इरफान खान का एक्टिंग रादर बहुत अच्छा था, एंड आई थिंक एवरीवन शुड डेफिनेटली वॉच इट एटलीस्ट फॉर वन टाइम। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा मूवी का? द स्टोरी, इवन स्टोरी वाज नाइस, बट आई लाइक एक्टिंग, एक्टिंग वाज रियली नाइस। डायरेक्शन? डायरेक्शन वाज गुड, स्क्रिप्ट वाज नाइस, एंड म्यूजिक वाज नाइस रादर, एंड या नो। कितने सारे चार्ट? 3.5। थैंक यू सो मच। ओके स्टेट वी जस्ट डिड लास्ट वन एंड योर स्टार। नो आई डोंट थिंक सो। ओके या जस्ट सेट, टेल मी द क्वेश्चन क्विक, आई विल आंसर यू गाइस। ओके कैसी लगी? ओह आई प्रीटी मच लाइक द मूवी, एंड द मूवी कॉन्सेप्ट इज रियली नाइस, द सॉन्ग्स आर रियली नाइस, लोकेशंस आर रियली नाइस। I like Dulquer Salman, so I went for the movie for him. Apart from that, yeah, obviously Irfan Khan. Yeah, obviously Ganja Pee Ke Tumhara Dimag Sad Gaya Hai. Obviously, yeah. So he is quite amazing. His character is quite amazing. If you have seen the scene that Shayari wala scene, jahan pe wo Google kar raha tha, I like the scene as well. Yeah. I'll give 4.5. Yeah. Thank you so much. Thank you. अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। वो तो बेस्ट है हमेशा से, पहली मूवी से एक्चुअली जब से मैंने उनको देखा है। मस्त लगी, अच्छा है, कॉमेडी है, इमोशनल है, एक्चुअली कनेक्ट भी होती है, वो अच्छा है। स्टोरी की बात करें जाए कितनी पसंद आई आपको स्टोरी? बहुत अच्छी लगी है, बोला बहुत अच्छी लगी। पाँच में से कितने स्टार? पाँच। और आप? पाँच। टोटल 10 हो गया। फोर्थ वन है। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी फिल्म। आई एम रियली हैप्पी टू सी दुलकर डूइंग व्हाट ही डिड इन हिंदी ऑल्सो, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ। कि मलयालम और तमिल मूवीज़, अगर लोग दुलकर के फ़ैन सच में ना, तो प्लीज़ उनके मलयालम और तमिल फिल्म्स भी देखो। बट गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोलर, एंड आई होप कि वो बहुत जल्दी एक और हिंदी मूवी में बहुत जल्द वापस आ जाए। इरफान खान सर तो मेरे मतलब खान्स में से सबसे फेवरेट इरफान खान ही है, और ये मूवी देख के तो ऐसा लग रहा है कि यू नो बहुत जल्द वो वापस आ जाए, यू नो सही सलामत होके वापस आ जाए, बस यही दुआ मांगती हूँ। स्टोरी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली। अभी जो एक्चुअली गए साल दो साल में बहुत ख़राब फिल्में निकल रही है, तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है देखने के लिए। एक रोड ट्रिप फिल्म है, और इरफान खान सर और रोड ट्रिप फिल्म्स का तो पता नहीं कुछ अलग ही अपने आप में एक जॉनर बन गई है पीकू और करीब करीब सिंगल के बाद, तो होपफुली यू नो यूथ को बहुत अच्छा लगेगा ये फिल्म। फिर से देखना चाहूँगी, क्योंकि एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत मिस किया था, अब मैं लेट पहुँची थी स्क्रीनिंग के लिए, तो वापस से ज़रूर देखना चाहूँगी। 3.5। थैंक फिल्म इज़ गुड, एक अच्छी हल्की फुल्की कॉमेडी है, रोड ट्रिप है, लोकेशंस अच्छी हैं, पूरे साउथ इंडिया का फील आता है आपको, प्लस इरफान खान है, उनके एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, उनके पंचेस, सो या मूवी वाज गुड। डायरेक्शन वाज गुड, ऐसी कुछ वीक नहीं लगी कहीं पे भी, बिकॉज रोड ट्रिप है, उनको लोकेशंस का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस दो नए एक्टर्स भी हैं मूवी में, बट दे पुल्ड ऑफ वेरी वेल। इरफान वॉज ऑब्वियसली गुड, एक पूरी मूवी में वही एक फन एलिमेंट है, बिकॉज बाकी टाइम मूवी सीरियस चल रही होती है,
बाकी टाइम मूवी सीरियस चल रही होती है, बट इरफान खान ही थोड़ा उसमें ऐसे पंचेज लाते हैं, फ़नी एलिमेंट्स होते हैं, तो आप हंसते हो, मजाक मज़ा आता है। पिक्चर में सबसे अच्छा तो मुझे इरफान खान ही अच्छे लगे, उनकी उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनका अंदाज है, उस पर वही कैरेक्टर ही बड़ा फ़नी कैरेक्टर उन्होंने अदा किया। बाकी तो बहुत सीरियस चल रहा है, बोरिंग सा, बट ही इज़ द वन। डायरेक्शन की बात करें, म्यूजिक डायरेक्शन अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, वो म्यूजिक पे तो ध्यान नहीं जाता बिकॉज वो बैकग्राउंड में चल रहा है। आउट ऑफ 5 3 स्टार्स। थैंक यू सो मच। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी, इज़ गुड। मेरे को लोकेशन अच्छी लगी और इरफान खान की एक्टिंग अच्छी लगी। स्टोरी वॉज गुड, सो आई गिव 3.5 टू द स्टोरी, बट आई गिव मोर टू द लोकेशन, टू द एक्टिंग ऑफ इरफान खान एंड इवन द एक्टिंग ऑफ मिथिला एंड सलमान। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है मूवी का वो ये है कि लाइक यू नो बेसिकली आर पेरेंट्स समवेयर दे फोर्स अस टू डू समथिंग एंड देन वी डोंट लाइक देम यू नो एज देयर लाइक सजेशंस एंड एवरीथिंग, बट द सेम टाइम वी रियलाइज दैट यू नो दे जस्ट स्टेड आउट ऑफ कंसर्न एंड इट्स नॉट लाइक दे आर पर्सनल यू नो दे आर जस्ट फोर्सिंग अस, इट्स जस्ट दैट आउट ऑफ कंसर्न दे से थिंग्स टू अस, सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हार्ड टू देम और लाइक यू नो बिकमिंग रियली रियली हार्श टू देम, वी शुड लाइक रियली अप्रिशिएट एंड यू नो वी शुड लिसन टू देम बट नॉट लाइक यू नो डिसरिस्पेक्ट देम। आई कैन वॉच इट, आई गेट 3.5।